जय जोहार, मैं हूँ तपेश जैन और हम लोग राजस्व में हैं। यहाँ पर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरुणेश कुमार शर्मा जी रत्नज्ञ है, कुंडली विशेषज्ञ है, हस्तरेखा भी देखते हैं, टैरो भी आता है, अंक शास्त्र भी है, सारी तरीके के और एक बड़ी भविष्यवाणियां भी करते हैं। तो अगले साल क्या कुछ खास होने वाला है, सामान्य लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला और छत्तीसगढ़ के लिए क्या परिवर्तन होने वाला, आइए जानते हैं उनसे क्या कहेंगे शर्मा जी। गुरु जो है कल से 5 नवंबर से राशि बदल रहा है, सुबह से वो धनु में आ रहा है और गुरु संस्कारों का प्रतीक है, विद्या का प्रतीक है, जीवन में अच्छी उपलब्धियों का प्रतीक है, शिक्षा का प्रतीक है और छत्तीसगढ़ के लिए भी ये चीज़ें बढ़ने वाली हैं, साझेदारी सहयोग बढ़ने वाला है और पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए गुरु की जो अच्छाइयाँ हैं वो शुभताएँ बढ़ने वाली, क्योंकि वो अपनी राशि में आने वाले हैं और उसकी पॉजिटिविटी जो है पूरे विश्व कल्याण में आगे बढ़ने वाली है। जो अग्नि तत्व की राशियाँ हैं उनको विशेष लाभ गुरु की वजह से मिलने वाला है। तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इनके लिए बहुत पॉजिटिव गुरु आशीर्वाद लेके आ रहे हैं अपनी दृष्टि से और साथ में मिथुन राशि को भी देखेंगे सातवीं दृष्टि से, तो काफ़ी शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु का जो प्रभाव है वो एकेडमिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है। तो समाज में जो है जो निगेटिविटी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अनैतिकता बढ़ रही है, वो सब इस वर्ष कम होगी। और ये 13 महीने गुरु एक राशि में रहते हैं तो लगभग ये 5 नवंबर से लेके दिसंबर 2020 तक का गुरु का समय है और इसमें गुरु के जो लाभ हैं वो सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मतलब अब बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो बच्चे अब तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो सब भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ में जो है गुरु से जुड़े जो लोग हैं, कहना चाहिए कि प्रशासनिक लोग जो हैं, प्रशासन में जो कमी आई है, विश्वास घटा है, वो लौटेगा लोगों का और प्रशासन में अधिकारियों से और जिम्मेदार लोगों से उनका एक विश्वास, एक करीबीनेस बढ़ेगी फिर से। बहुत अच्छी बात है कि अभी हम पॉजिटिविटी में जाते हैं, अच्छे संस्कार और सारी चीज़ें मिलेंगी। राशि के हिसाब से आपने बताया 3 राशि में अच्छा रहने वाला, किसी एकाध राशि का भी कुछ गड़बड़ लगता है? देखिए पृथ्वी तत्व की जो राशियाँ हैं मकर, कन्या और वृष राशि, इनके लिए गुरु की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है लेकिन उनको लाभ मिलेगा जनवरी में जब गुरु शनि बदलेगा, तो ये 2-3 महीने उनके लिए साधारण रहने वाले हैं। तो पृथ्वी तत्व राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहना है। इसके बाद जो है जो जल तत्व राशियां हैं उनके लिए पॉजिटिव स्थिति है और इसके अलावा जो है वायु तत्व राशियां उनके लिए भी सकारात्मक स्थिति है। विशेष से केवल पृथ्वी तत्व राशि वालों को सावधान रहना है। बहुत अच्छी बात है, आपसे फिर चर्चा करेंगे, आपने समय दिया, राजस्व में आपका स्टॉल भी लगा हुआ है, आप लोगों को यहाँ पर आते हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।